सवाल यह है कि बेशुमार खिताबात के दौरान आपने शरीयत मुहम्मदी और शरीयत अहमदी के बारे में फरमाया है, तो आप जरा मजीद तफसील बयान करें कि किन लोगों को मिलती है शरीयत मुहम्मदी। हुजूर पाक के जिस्म मुबारक का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी रूह का नाम अहमद था। आपका ये जो सेंटर वाला लतीफा अक्का, उसका नाम आमद है। आपके जो सिर में लतीफा अन्ना, उसका नाम महमूद। आप शरीयत मुहम्मदी, आपके जिस्म ने जो काम किए वो शरीयत मुहम्मदी है। आपके जो रूह ने काम किए वो शरीयत अहमदी है। एक दफा आप जिस्म समेत मेराज पे गए, बाकी जब आप जाते रहे तो रूह के लिए ऊपर जाते रहे ना, वो शरीयत अहमदी है ना। आपकी रूह पहले भी नमाजें पढ़ती थी, आपके आने से पहले भी, तब आपने कहा था ना मैं दुनिया में आने से पहले भी नबी था। आप फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम को मनाया ही नहीं गया था। जिसम तो बाद में आया था ना, वो जो पहले नबी थे वो जो काम करते रहे वो शरीयत अहमदी थी ना। वो अभी भी आपकी रूह मुबारक नमाज पढ़ाती है, उस वक्त तक सर नहीं उठाते जब तक अल्लाह जवाब ना दे लब्बैक या सके। अगर तेरी रूह भी इस काबिल हो जाए तो तुझ में भी वो शरीयत अहमदी मयसर हो सकती है।